हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग सीपेट जूलॉजी के लिए एमएससी एंट्रेंस की तैयारी करें तो आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। वहां पे डेली बेसिस पे क्विजेस तो होता ही है, साथ में सीपेट रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगा, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमने जो सीरीज को शुरू किया था एमएससी जूलॉजी यानी कि सीपेट जूलॉजी प्रिपेरेशन के लिए, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ये आज हमारा नंबर 5 वाला वीडियो है। हमने ऑलरेडी 4 वीडियोज को कंप्लीट कर लिया है सीपेट जी प्रिपरेशन वाले प्लेलिस्ट में। आपने वो सारे वीडियो को चेक नहीं किया तो चैनल का प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पे आई बटन में फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम बहुत ही मतलब डिटेल में और बहुत ही क्विकली वो सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन उड़ीसा के कोई ना कोई यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में आए थे एंट्रेंस एग्जाम में, तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। रिलेटेड स्पीशीज व्हिच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड बट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, यानी कि रिप्रोडक्टिव बेसिस में वो अलग है और लेकिन मॉर्फोलॉजिकली उससे सिमिलर होते हैं, तो उस तरह के रिलेटेड स्पीशीज को क्या बोला जाता है? एलोपेट्रिक, सिम्पेट्रिक, सिबलिंग या फिर इनसिपेंट, उन्हें कहा जाता है एलोपेट्रिक। उसके बाद देखिए, सेवरल जनरल रिजेम्बलिंग वन अनदर इन देयर मेजरल मॉर्फोलॉजिकल एनाटोमिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर आर प्लेस्ड टुगेदर इन। तो सेवरल जेनरा जो होते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली एनाटोमिकली एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के हिसाब से वो रिजेंबल करते हैं या फिर सिमिलर होते हैं, तो उनको कहाँ पर प्लेस किया जाता है? स्पेसिस, जीनस, ऑर्डर, फैमिली। बहुत ही ईजी है, उनको फैमिली में रखा जाता है। आप लोगों को मालूम है बहुत सारे रिलेटेड स्पीसीज और क्लोज रिलेटेड स्पीसीज को जीनस के अंडर में रखा जाता है, फिर बहुत सारे जीनस को फैमिली के अंडर, बहुत सारे फैमिली सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले फैमिली को ऑर्डर के अंदर, और बहुत ही सिमिलर कैरेक्टर या फिर क्लोज रिलेटेड ऑर्डर को हमारा क्लास के अंडर में रखा जाता है, और बहुत सारे क्लास को फिर फाइलम, उसके बाद किंगडम। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामचंद्रन प्लॉट इज यूज टू डिस्क्राइब, तो रामचंद्रन प्लॉट को किसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है? एंजाइम काइनेटिक्स, ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन, या फिर आप लोग प्रोटीन स्ट्रक्चर, या फिर डीएनए डीनेचुरेशन काइनेटिक। बहुत ही ईजी है, आप लोग रामचंद्रन प्लॉट पर्टिकुलरली प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद स्ट्रक्चरली एब्जाइम्स इज और एंड प्रोटीन होता है। एब्जाइम्स एक्चुअली क्या होता है? एक प्रोटीन होता है, आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन होता है, या फिर स्प्लाइस्ड इंट्रोन होता है। देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं, सारे के सारे ऑल दी एंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे के सारे प्रोटीन जो भी यूनिवर्स में पाए जाते हैं, अर्थ पे पाए जाते हैं, वो सारे के सारे प्रोटीन होता है, सिवाय राइबोजाइम को छोड़ के, राइबोजाइम को छोड़ के, और एक है राइबो न्यूक्लियस पी, ठीक है, राइबो न्यूक्लियस पी, क्योंकि ये दोनों आरएनए होते हैं, ये प्रोटीन नहीं होते, और ये ऐसे आरएनए होते हैं एक्सेप्शन केस वाले आरएनए जो कि एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ के, ये दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे नेचर में एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन होते हैं, लेकिन ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, ये भी याद रखिएगा। आप लोगों का एक टैगलाइन है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम एक्सेप्ट राइबोजाइम्स एंड राइबोन्यूक्लियस पी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। काइटिन इज अ होमोपोलीसेकेराइड, हेटरोपोलीसेकेराइड, प्रोटीओग्लाइकन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन। काइटिन एक तरह का होमोपोलीसेकेराइड है और काइटिन आप लोगों का ये एनिमल के सेल में, सेल जैसे कि आर्थ्रोपोडा के सेगमेंटेड बॉडी पार्ट में ये सेल में पाया जाता है, और ये कहाँ पे होता है? सेल वॉल में होता है, फंगाई के सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, ये भी याद रखिएगा, और ये एक तरह का होमोपोलीसेकेराइड है। इसी वजह से फंगाई के ऊपर डिबेट है, ये एनिमल को बिलोंग करेगा या फिर फंगाई को बिलोंग करेगा। फंगाई के सेल वॉल में काइटिन पाया जाता है और ये एक एनिमल का कंपोनेंट, एनिमल पोलीसेकेराइड है, जो कि आप लोगों को आर्थ्रोपोडा के सेल विंग्स वगैरह में काइटिन पोलीसेकेराइड मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस रिलेटेड टू, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस किसके साथ रिलेटेड है? ट्रांसपोर्ट ऑफ एटीपी अक्रॉस द मेम्ब्रेन, एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी सिंथेसिस, या फिर एटीपी हाइड्रोलिसिस। बहुत ही इजी सा आंसर है केमिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पीटर मिशेल ने केमिया ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दिया था, और ये इसका जो राइट आंसर है वो माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी सिंथेसिस। अगर आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, वहां पे आप लोगों का क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो एटीपी सिंथेसिस उसको एक्सप्लेन करता है, और साथ में आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी सिंथेसिस भी ये एक्सप्लेन करता है, केमिया ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जिसको दिया था पीटर मिशेल ने, ठीक है, पीटर मिशेल शायद मैं स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, टीसी साइकिल स्टार्ट हुई द कार्बोक्सिलेशन ऑफ, टीसी साइकिल किसके कार्बोक्सिलेशन के साथ शुरू होता है? तो एसिटिल कोएंजाइम में साइट्रेट, सीसाइकोनिटेट या फिर ऑक्सालोएसिटेट। तो टीसी साइकिल का पूरा नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको कहा जाता है क्रेब साइकिल भी, ठीक है, क्रेब साइकिल,
और इसमें खासियत क्या है, बोला गया कार्बोक्सिलेशन, यानी कार्बोक्सिलेशन जो ग्रुप होता है वो किसके साथ पहले ऐड होता है, कार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड का ऐड होना, तो वो पहले ऐड होता है ऑक्सालो एसिटेट, जिसको कहा जाता है ओ ए ऑक्सालो एसिटिक एसिड। ये और आप लोगों का एसिटिल को एंजाइम दोनों मिलकर आपको पहला जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनाता है वो होता है साइट्रेट या फिर साइट्रिक एसिड, जो कि 6 कार्बन का होता है। ये 4 कार्बन का होता है और एसिटिल को एंजाइम 2 कार्बन का होता है, दोनों कार्बोक्सिलेशन करके साइट्रेट बनाते हैं। लेकिन अभी के लिए हमारा आंसर कौन है, ऑक्सालो एसिटेट। उसके बाद देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटालाइजेस एटीपी प्रोड्यूसिंग स्टेप ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। इनमें से कौन सा मतलब जो एंजाइम है जो कि कैटालाइज करता है एटीपी प्रोड्यूस कर, क्या लिखा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटालाइजेस एटीपी प्रोड्यूसिंग स्टेप। अच्छा, एटीपी प्रोड्यूसिंग स्टेप में ये जो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में कौन, इनमें से कौन सा एंजाइम कैटालाइज करवाता है। 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज। सो इसका जो राइट आंसर है हमारा, कौन कैटालाइज करता है एटीपी प्रोड्यूसिंग स्टेप को, 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरेट काइनेज। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन चार्ज टीआरएनए अमीनो एसिड इज जॉइंड टू, अगर वीडियो स्पीड लग रहा है आप चाहो तो थोड़ा सा स्लो प्लेबैक स्पीड में स्लो करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्विकली क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट करना चाहता हूँ, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूँ। और आप लोग देखिए, उसके बाद देखिए, इन चार्ज टीआरएनए अमीनो एसिड इज जॉइंड टू, तो एक चार्ज टीआरएनए में अमीनो एसिड कहाँ पे जॉइन होता है, 5' 3' टी साइसी लूप या फिर डी लूप, इसको पढ़ा जाता है टी साइसी लूप, या फिर ये डी लूप को डी एच यू लूप भी कहा जाता है, डाइहाइड्रोक्सी यूरिडीन लूप। तो खैर हमारे यहाँ पे जो आंसर है वो है 3', बिकॉज 3' में हमेशा ओ एच ग्रुप आपको फ्री देखने को मिलेगा टीआरएनए में, यानी कि ये रहा टीआरएनए मान लीजिए इस तरह का होता है ना, और यहाँ पे एक वेरिएबल आर और ये रहा टीआरएनए, और ये जो एंड होता है 3', ये होता है 5', और ये 3' में ओएच ग्रुप फ्री रहता है, जिसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए अमीनो एसिड हमेशा तैयार रहता है, और अमीनो एसिड जुड़ना को ही चार्जिंग चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो गया 3' एंड। याद रहेगा आप लोगों, 3' एंड में हमेशा ओएच ग्रुप फ्री रहता है, ओएच ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप है, जिस वजह से आप लोगों का अमीनो एसिड जाके जुड़ता है। उसके बाद देखिए, व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ द एमआरएनए फॉर ए जीन सीक्वेंस ऑफ 5', GCG GTT CC GT 3'। अच्छा, इसको करते हैं थोड़ा सा, जी के लिए पहले हमें सी कम्प्लीमेंटरी जोड़ना होगा, सी के लिए जी, फिर जी के लिए सी, फिर जी के लिए सी, फिर टी के लिए ए, फिर अगेन टी के लिए ए, उसके बाद देखिए सी के लिए आप लोगों का जी, और फिर से सी मतलब जी, और जी मतलब सी, और टी मतलब ए हो गया। ठीक है, और ये सीक्वेंस किस तरह रहा, 3' टू 5'। ठीक है, 3' टू 5', मतलब 3' की ओर सी है और 5' की ओर ए है। ठीक है, मिट गया उसको, फिर से मैं कर दे रहा हूँ, तो जी के साथ सी, ये 5' एंड हो गया, मतलब थ्री डैश आप लोग कंप्लीमेंटर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो स्ट्रैंड होएगा ये अगर 5 है, ये 3 है, तो ये 3 होगा और ये 5 होगा। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा सीक्वेंस, पहले 3' में देखते हैं, जी के साथ सी, उसके बाद सी के साथ जी, मैं इसी को देख के कर रहा हूँ, ठीक है, कॉम्प्लीमेंटर जोड़ रहा हूँ, उसके बाद जी के साथ सी, फिर जी के साथ सी, सी जी, हाँ सी, अच्छा सी जी सी सी, हाँ ठीक है, उसके बाद टी के जगह ए, फिर टी के जगह ए, उसके बाद सी के जगह जी, फिर सी के जगह जी, जी की जगह सी, और टी की जगह, तो ये हो गया 5'। तो ये सीक्वेंस हमारा ऑप्शन में, लेकिन देखिए 5 to 3 दिया है, यानी 5' इस डायरेक्शन में आप लोगों को पढ़ना होगा, 5' में ए सी जी जी ए ए सी सी जी सी, तो हमारा कौन सा ऑप्शन है देखते हैं, ए से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, मतलब ये वाला ए सी जी, ठीक है, उसके बाद जी ए है, जी ए है, उसके बाद देखिए सी सी जी, तब उसके बाद सी 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 जी, उसके बाद सी हो गया। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, मैं फिर से थोड़ा सा इजीली बोल दे रहा हूँ, देखिए ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, तो दूसरा स्ट्रैंड इस तरह का होगा 3' टू 5'। ठीक है, जो कि हमारा एमआरएनए भी एग्जैक्टली वही आएगा हमारा सीक्वेंस, तो यहाँ पे जस्ट इसका ऑपोजिट करना है, कॉम्प्लीमेंटर बेस को जोड़ना है और इसको रीड करना है 5 to 3, तो हमारा ये सीक्वेंस आएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिटिकल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ए प्रोमोटर ऑफ ए जीन बाय प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए पॉलीमरेज के लिए, तो क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ प्रोमोटर, तो आप लोगों का जो जीन है प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, मतलब जो जीन है उसका जो प्रोमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए इनमें से कौन सा यूज होता है, आरओ फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, बीटा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, या फिर ओमेगा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। इसका राइट आंसर है सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करता है प्रोमोटर रीजन को, और रो फैक्टर के जुड़ने की वजह से आप लोगों का एमआरएनए क्या करता है, जो नैसेंटली प्रिपेयर, जो न्यूली प्रिपेयर एमआरएनए होता है वो फॉलोअप कर जाता है, गिर जाता है। ठीक है, फॉलोअप कर जाता है,
है उसके लिए, चाहे रो फैक्टर और सिग्मा फैक्टर इनिशिएट करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए यूज होता है, जो कि प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करता है। उसके बाद देखिए 5-3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इज शोन बाय, सो 5-3 डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कौन सा करता है, डीएनए पोल 1, डीएनए पोल 2, डीएनए पोल 3 या फिर आरएनए पोल 2। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डीएनए पोल 1, जिसको हम प्रूफ रीडिंग एंजाइम भी कहते हैं, प्रूफ रीडिंग एंजाइम कहते हैं। और इसका फेमस नेम है कॉनबर्ग एंजाइम, कॉनबर्ग एंजाइम। इसका काम है एरर को डिटेक्ट करके हटाना, ठीक है, डीएनए एरर को। उसके बाद देखिए ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस द इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए गेट प्लेस्ड एट, तो इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के जब इनिशिएट होता है, जो प्रोसेस होता है ना, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, तो इनिशिएशन में पहला जो इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए जाके कहाँ पे प्लेस होता है, ए साइट ऑफ राइबोसोम या फिर हमारा पी साइट ऑफ राइबोसोम, एक्सट्रीम 5' एंड ऑफ एमआरएनए या फिर एक्सट्रीम 3' एंड ऑफ एन आरआरएनए। तो ये भी बहुत ही ईजी सा है आप लोगों का, पी साइट ऑफ राइबोसोम में वो क्या करता है, पहला जो हमारा इनिशिएटर, पहला जो इनिशिएटर चार्ज आरएनए आके प्लेस होता है। उसके बाद जितने भी टीआरएनए आते हैं वो सारे के सारे ए में जुड़ते हैं, याद रखेगा, ई साइड यानी एग्जिट साइड में वो सभी के सभी टीआरएनए अपना अमीनो एसिड देने के बाद वो चले जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं, लेकिन जो सबसे पहला टीआरएनए आके कहाँ पर लगता है, पी साइड में। उसके बाद जितने भी कॉन्जिक्यूटिव उसके बाद सभी के सभी टीआरएनए आके जुड़ते हैं ए साइड में और एग्जिट होते हैं ई साइड में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्पिरिन इज यूज्ड एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग बिकॉज इट इनिबिट्स, एस्पिरिन को यूज किया जाता है एंटी इन्फ्लेमेशन, तो जो भी मतलब इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको मतलब रिड्यूस करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एस्पिरिन को यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इट इनिबिट्स सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन या फिर एग्रीगेशन ऑफ ब्लड प्लेटलेट, एक्शन ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन या फिर ब्लड फ्लो एट दी अफेक्टेड साइट। इसका राइट आंसर है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन को ये इनहिबिट करता है, रोकता है, जिस वजह से आप लोगों का या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की तरह काम में आता है। उसके बाद देखिए कॉस्मिड इज ए डैश, कॉस्मिड एक तरह का क्या है, क्लोनिंग वेक्टर, शटल वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सीडीएनए, सीडीएनए यानी कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए। तो ये आप लोगों का कॉस्मिड एक तरह का क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक है, याद रखिएगा, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ 2-3 20 फॉस्फोग्लिसराइड इन आरबीसी द एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज डिक्रीज, इंक्रीज अनअफेक्टेड और आबले। तो जब भी इंक्रीज लेवल ऑफ 2-3 20 फॉस्फोग्लिसराइड आरबीसी में होता है तो क्या होता है, जो एफिनिटी ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन की तरफ कम हो जाता है, एफिनिटी यानी जो मतलब कंबाइन होना, ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को कैरी करना। तो यहाँ पे जब भी इसका मात्रा बढ़ जाता है 2-3 20 फॉस्फोग्लिसराइड को आरबीसी में, तो क्या होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, अनअफेक्टेड या फिर एबोलिश। सो इसका राइट आंसर है वो डिक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन का एफिनिटी हीमोग्लोबिन की तरफ डिक्रीज हो जाता है, जिस वजह से ये लेस हीमोग्लोबिन को कैरी करता है, लेस ऑक्सीजन को कैरी करता है, जो कि एक फैटल कंडीशन भी क्रिएट कर सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इफ डोनर हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी कैन नॉट डोनेट हिज ब्लड इज हिज और हर ब्लड टू द रेसिपिएंट हु हैज ब्लड ग्रुप ओ बिकॉज, देखिए ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बोला गया है कि एक डोनर है जो कि ए बी, ए बी ब्लड ग्रुप कभी भी आप लोगों का ओ ब्लड ग्रुप को नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि देखिए डोनर हैज एंटीबॉडी, डोनर हैज एंटीजेंस, रेसिपिएंट हैज एंटीजेंस या फिर एंटीबॉडीज विल बी फॉर्म इन रेसिपिएंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डोनर के पास एंटीबॉडीज विल बी फॉर्म इन द रेसिपिएंट। तो डोनर के पास तो नहीं, रेसिपिएंट में क्या होता है, एंटीबॉडीज बनते हैं। क्यों? देखिए आप लोगों को ए बी के बारे में मैं थोड़ा बता दूं, ए बी के पास दो एंटीजन होते हैं, ठीक है, दो एंटीजन होते हैं, ठीक है, और इसके पास नो एंटीबॉडी होते हैं, नो एंटीबॉडी, ये सब आप लोगों को मालूम होगा। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है, एंटीजन नहीं होते लेकिन एंटीबॉडी दोनों के दोनों होते, स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों के दोनों होते। तो जब भी आप लोगों का ए बी ब्लड ग्रुप इसको दिया जाएगा, यानी इसका एंटीजन इधर आ जाएगा और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी ए बी अटैक करेंगे और अग्लूटिनेशन फॉर्मेशन करके आप लोगों का ब्लड को क्लॉट कर देंगे, अग्लूटिनाइज कर देंगे, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ए बी के पास दो एंटीजन है, एंटीजन एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, ठीक है, एंटीजन बी। अब ओ ब्लड ग्रुप के पास तो कोई भी एंटीजन नहीं है लेकिन उसके पास एंटीबॉडी ए है और एंटीबॉडी बी है। जब ये ब्लड में एंटी ओ ब्लड वाले ओ डोनर को ओ ब्लड ग्रुप डोनर को जब ये वाला दिया जाएगा तब क्या होगा, ये एंटीबॉडी उनको किल कर देंगे, अग्लूटिनाइज कर देंगे, ठीक है, ब्लड को अग्लूटिनाइज कर देंगे। उसके बाद देखिए
सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल ड्यूरिंग मैराथन रनिंग। सो जब मैराथन रनिंग होता है तब सोर्स ऑफ एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? एटीपी, क्रिएटिन फॉस्फेट, ब्लड ग्लूकोज या फिर प्रोटीन। सो इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो है एटीपी ही प्रोवाइड करता है एनर्जी के लिए। एटीपी ही हमेशा प्रोवाइड करता है, हालांकि ब्लड ग्लूकोज ये वगैरह ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से एनर्जी या फिर एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन वो चाहे जो भी कंडीशन हो, जहाँ पे भी हो, आप लोगों का मेटाबोलिक एक्टिविटी हो या फिर जो जहाँ कहीं पर भी जरूरत हो एनर्जी, वहाँ पर एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद देखिए, नहीं, रिगर मोर्टिस ऑकर्स इन डेड एनिमल बिकॉज। रिगर मोर्टिस एक ऐसा फेनोमेना होता है जो अकड़ जाना, जानते होंगे, बॉडी वगैरह, डेड बॉडी वगैरह जो भी हो रहते हैं वो सब अकड़ जाते हैं बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ एटीपी। एटीपी ना हो तो क्या होता है? तो आप लोगों यहाँ पे एटीपी व्हिच इज नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्रॉसब्रिज इज नॉट बिंग फॉर्म, या फिर एटीपी व्हिच इज नेसेसरी फॉर द डिटैचमेंट ऑफ क्रॉसब्रिज इज नॉट बिंग फॉर्म, या फिर एटीपी व्हिच इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉसब्रिज कंटिन्यूज टू बी फॉर्म, या फिर डेटेरियरेशन ऑफ मसल प्रोटीन प्रिवेंट डिटैचमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिज। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एटीपी जो कि नेसेसरी है डिटैचमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज का डिटैचमेंट होना बहुत जरूरी है, जो कि बनता नहीं है, ठीक है, जो कि एटीपी उस टाइम में डिटैचमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिज करने के लिए नहीं बनता, जिस वजह से जिस पोजिशन में भी पर्सन हो मरने के बाद वो उसी पोजिशन में अकड़ के रह जाता है, ठीक है, जिसको स्टिफनेस, मसल स्टिफनेस कहते हैं, और रिगर मोर्टिस उसका साइंटिफिक नेम है। ग्लूकोज इज अब्सॉर्ब्ड थ्रू ल्यूमिनल ब्रश बॉर्डर्स बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म रिक्वायरिंग ग्लूट 5, SGLT1, SGLT2 या फिर GLUT2। सो इसका जो राइट आंसर है वो है SGLT1। ग्लूकोज ऑब्जर्व होता है थ्रू ल्यूमिनल ब्रश बॉर्डर बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म रिक्वायर क्या करता है? SGLT, ठीक है। सो ये था आप लोगों के लिए बहुत ही क्विक वे में मैंने कोशिश किया आप लोगों को समझाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेरी वगैरह, क्वेश्चन वगैरह या फिर कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेटर प्रिपरेशन के लिए आप चाहो तो पूरा हमारा चैनल के जितने भी प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके चेक कीजिए, आप लोगों को ढेर सारे एमसीक्यू उस वीडियो मिल जाएंगे। तो सीपेट एग्जाम से पहले पहले आप जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, और इसके बाद से भी मैं जितना भी सीपेट का, जूलॉजी का जितना भी वीडियोज लाऊंगा वो सब में मैं क्विकली आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट ओडिशा में क्वेश्चन आए हैं, एंट्रेंस क्वेश्चन, उस सभी को मैं क्विकली सॉल्व करूंगा और एनालाइज करूंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जैसे भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप लोगों को तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीपेट जूलॉजी के वीडियो में। थैंक यू।